तो दोस्तों आज मैं गया था दिल्ली के पहले एप्पल खुद के स्टोर में जो साकेत स्लीट वॉक में है। मैं वहाँ गया था, ये रहा मैं जो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। आज मैंने काफ़ी चीज़ें देखी वहाँ पे। वैसे ही इसकी लोकेशन है, आप जब भी वहाँ जाओगे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरना, वहाँ से 20-20 रुपये में ऑटो भी जाते हैं, आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे है इसका एप्पल का शोरूम। एंट्री का कोई गेट नहीं है, एक्चुअली ये हॉल में ही बनाया गया है तो कोई गेट नहीं है इसका। बस लेफ्ट साइड से इसकी एंट्री है, राइट साइड से इसकी एग्जिट है। तो यहाँ पे मैंने आज काफ़ी चीज़ें देखी, फ़ोन देखे वगैरह, एयरपोर्ट देखे, वॉचेस देखी, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, जो चीज़ हमें ऑनलाइन भी अवेलेबल होती थी, मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे आज एक्सप्लोर करी साम फिज़िकली। और ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छा डेस्क लगा, ये स्वाइप करके ये ऊपर नीचे, इसका जो चार्जिंग पोर्ट होता है ये ऊपर नीचे होता है। फिर मैंने कुछ इसके आईपैड्स देखे, आईपैड प्रो देखे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जो नॉर्मली कुछ कुछ जो स्टोर्स होते थे एप्पल के हमारे यहाँ पे, वो कुछ कुछ नहीं रखा करते थे, पर यहाँ पे मुझे सारी वैरायटीज़ के मिले। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चला के भी देखी तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे इसका ये जो आईपैड देखा मैंने, ये बहुत बढ़िया था। इसके बाद मैंने कुछ एयरपॉड्स भी देखे, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3rd जनरेशन प्रो 2, ये सारी चीज़ें थी इनके पास। कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक में नहीं थी। और ये उसके बाद मैंने मेन ये था एयरपॉड्स मैक्स देखना जो फिज़िकली था मेरे पास। बस यही चीज़ नहीं है एक्चुअली, बाकी तो एप्पल इकोसिस्टम का सभी चीज़ 2 या 3 ही है सभी कुछ मिला के। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। उसके बाद मैंने कुछ वॉच स्ट्रैप्स भी देखे थे जो कि यहाँ दिख रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। कुछ कुछ स्ट्रैप्स थे जो वॉचेस थी, अलग अलग स्ट्रैप्स थे। ये कुछ फ़ोन के कवर देखे मैंने, बहुत मस्त मस्त चीज़ें थी यहाँ पे। तो बिल्कुल आप कोई भी चीज़ उठा के आप अपने फ़ोन में लगा के अपने हाथ में पहन के देख सकते हो, हर चीज़ इसमें यूज़ेबल थी यहाँ पर जो सामने डिस्प्ले पर है। और ये फाइनल गाइस जो मैंने आपको बताया था, ये आज मैं ले चुका हूँ, जो ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा, ये मैं परचेस कर चुका हूँ इसको। तो देखिए गाइस, ये मैंने निकाली पैसों की गड्डी जो कि थी पूरी 90,000 की, जो एक ही बार में मेरे पैसे चले गए थे, पर हाँ वर्थ थी ये वॉच काफ़ी, और एक्सपीरियंस भी अच्छा था। इसमें एक चीज़ है कि आप जहाँ खड़े हो, जिस काउंटर पे खड़े हो, यहाँ काउंटर कोई नहीं है कि आप वहाँ जाके बिलिंग कराइए कुछ कराइए। यहाँ पे जहाँ जिस जगह आप खड़े हो गए, लाइन वहीं से शुरू होगी। इट मीन्स आपको जो भी पेमेंट है आपकी उसी जगह पर कर ली जाएगी। एक बंद जो भी है अपने यहाँ से बुक कर लेंगे और वो आपके पास जाके ये ले आता है सामान जो भी आपने बाय किया है। ये यहाँ की मुझे ये स्टाफ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो गाइस चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमारी एप्पल वॉच अल्ट्रा, कितनी सुंदर है यार। तो गाइस देखिए, ये मैंने खोला इसका बॉक्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये कुछ किताबें मिली हमें, इसमें भी किताबें डाल दी इन लोगों ने। ये रहा हमारा स्ट्रैप, ऊपर हमारी वॉच देते हैं, ये देखिए।
ये है अल्ट्रा वॉच, ये बस यही है 90,000 रुपये की। ये लगता ही नहीं है कि भाई 1 लाख का कुछ सामान खरीदा है। और ये है ओशन लूप, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। मेरी जो पुरानी एप्पल वॉच अल्ट्रा है उसमें अल्पाइन लूप लगा हुआ है, तो वैसे तो मुझे एक दूसरा ही स्ट्रैप चाहिए था, पर जब मैं यहाँ आया था मुझे कुछ सामान खरीदना ही था, मैंने कहा चल यार एक वॉच एक चाहिए ही थी एक एक्स्ट्रा ही, तो मैंने कहा चलो ले लो कोई बात नहीं, दो हो जाएंगी। दूसरी मैंने ये अल्पाइन लूप तो थी, ये मैंने ओशन ब्लू में इसकी ये जो पहनते हैं इसको, ये मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत दिक्कत आई थी, मैं बताऊँगा क्यों आई थी। ये थोड़ा कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है, आप जब भी आप घर पे भी अगर इसको करते हो तो आप इसमें अगर 10 से 15 मिनट लग रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि यहाँ कुछ ख़राबी आ रही है या नेट इशू है, नेटवर्क का कोई इससे लेना देना नहीं है, बस ये रहता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम ये टाइम लेती है क्योंकि इसमें कोई एप्पल आईडी आपको नहीं डालनी पड़ती। जैसे ही आप अपना फ़ोन इससे अटैच करते हैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने इसमें ले लेता है। एक्चुअली जैसे ही मैंने इसमें कनेक्ट किया मुझे करीब 20 से 25 मिनट लग गए थे इसको कंप्लीट होने पर, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया सारी की सारी मेरी इन्फॉर्मेशन इस वॉच में छोटे से डिवाइस में थी। गाइस इसके बाद मैं बताता हूँ ऐसा आज क्या क्या अलग हुआ। ये देखिए ये रही मेरी दूसरी वॉच, ये रही पहली वॉच। ये मैंने एक स्ट्रैप जो मुझे अल्पाइन लूप मुझे काफ़ी बोर कर रहा था, मैंने ओशन ब्लू तो खैर ले ही लिया अपनी वॉच के साथ, मैंने जो एक स्ट्रैप जो लिया था वो ये है, ये गोल्डन, ये एक चेन थी, मुझे चेन का एक स्ट्रैप चाहिए था काफ़ी टाइम से, एक मेटेलिक कोई स्ट्रैप चाहिए था, तो मुझे ये गोल्डन कलर में बहुत एक्चुअली पसंद आई थी। एक्चुअली मैंने सिल्वर भी डाली, सिल्वर वॉच से तो मैच कुछ कुछ खा रही थी पर मज़ा नहीं आ रहा था पहनने में, ये गोल्ड वाली जैसी मैं ला के देखी बहुत अच्छी लगी। गाइज इसकी अगर आपको कोई भी अगर इसको आपको लूप लेना होता तो वो एक्स्ट्रा आपको 10,000 पे करने पड़ते हैं, ये 10,000 का अलग से स्ट्रैप था। आपको अगर प्लैटिनम का चाहिए या कोई भी प्लैटिनम बोलो टाइटेनियम का अगर चाहिए या कोई भी एक मटेरियल चाहिए तो वो उस हिसाब से उनके अलग अलग रेट है। इनकी कॉमन रेंज है 4500 की और मैक्सिमम है 50,000 की स्ट्रैप्स की। हाँ ये थोड़ा मुझसे गलती हो गई थी एक्चुअली, ये मैंने चेन उल्टी लगा दी थी क्योंकि ये जो मेटेलिक चेन है ये मुझे मैग्नेट वाली मिली है, उसकी मैग्नेटिक पावर बहुत तेज़ है क्योंकि ऊपर से मैंने जो मेरे और पुराने जो स्ट्रैप्स थे इसके तो मैंने इसे जब इस पर रखे तो ये 4 स्ट्रैप भी तब तक भी इसकी मेटेलिक पावर गई नहीं थी, आप खुद सोच सकते हो इसकी मेटेलिक पावर कितनी तगड़ी थी। ये मेरे उल्टी हो गई थी इसलिए मैं इसको दोबारा सीधी करके लगा रहा हूँ। तो गाइज ये देखिए ये है मेरी दो दो एप्पल वॉच अल्ट्रा, 1 लाख इसमें 1 लाख उसमें। खैर ये जोक्स अपार्ट, पर जो भी था अच्छी फीलिंग थी आज, मुझे दो वॉच एक जैसी लेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे चाहिए थी तो चाहिए थी।